हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बदाणी के गांव जमियाट में स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदेश सरकार का 47 कनाल रकवा पर अतिक्रमण किया है। हालांकि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता रुचि का कहना है कि पिछले 10-12 सालों से जिला प्रशासन से लेकर सरकार से इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुचि ने बताया कि इन लोगों के द्वारा अब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि इस बाबत ठोस कदम उठाए जाए। रहने वाली आने की हूँ मैं, जिला हमीरपुर, तहसील भोरंज, ग्राम पंचायत बधानी, गांव जमैट में 2.5 साल से रहते आ रही हूँ। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार का 47 कनाल रकबा है, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा उस पे अवैध कब्जा किया गया है। उस भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों ने मकान, सड़कें, रोड आदि बनाए हैं और शेष भूमि जो है उस पर खैर के पेड़, बांस वो आम के पेड़ है जिन्हें वो काटते हैं। वन विभाग द्वारा भी उन्हें जुर्माना लगाया गया है। उस सरकारी भूमि पर जो रास्ता है उसका भी उन्होंने अतिक्रमण किया है और वहाँ उन 2007 से लेकर 2007 में वहाँ के स्थानीय निवासी करम सिंह द्वारा भी वो शिकायत दर्ज की गई है। 2007 से लेकर 2020 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 2007 से लेकर 2020 तक 7 लोगों द्वारा समय पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। कई बार मेरे द्वारा भी स्थानीय तहसीलदार महोदय, SDM महोदय, जिला अधीक्षक महोदय को भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। संबंधित विभाग द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई सामने नहीं लाई गई है। इस परेशानी से लेकर मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने की कोशिश की। मुख्यमंत्री महोदय जी का व्यस्त दिनचर्या के कारण समय नहीं मिला, जिसके कारण कुछ दिन पहले मैंने CM मुख्यमंत्री संकल्प योजना पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। और मेरा मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस पर पुख्ता और ठोस कदम उठाएं, और वहां पे मुझे जान का भी खतरा है। और वहां पे जब गाड़ी यहाँ कुछ भी स्टैंड किया जाता है तो गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं। वहां पे जो सामान रखा जाता है उनको या तो शमशान घाट में फेंक देते हैं, और या कहीं भी जाकर कंप्लेंट करते तो विदाउट प्रूफ की वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है।